बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सिल्फाई। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे नम्स एमडीकैट 2024 पेपर, जो 1 सितंबर 2024 को कंडक्ट किया गया था। इस पेपर के हम लोग जो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें दो पार्ट्स में जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, आज के पेपर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। अच्छा, नम्स ने जो पहला एमसीक्यू दिया था वो था, एट व्हाट एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स वर्क डन विल बी 50%। कह रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स देने पर किस एंगल पर जो है वर्क टन वो हमें 50% मिलेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि वर्क का फार्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी कॉस थीटा। तो अगर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करने के बाद भी रिजल्ट जो है 50% आ रहा है, तो एंगल जो है वो हमने देखना है कि कहाँ पर किस एंगल पर जो है वो उसकी वैल्यू जो है 0.5 आ रही है, हाफ आ रही है। तो कॉस थीटा जो है वो 60 डिग्री पर उसकी वैल्यू हाफ आती है, यानी कि 50% वर्क टन होगा मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करने पर भी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिजिक्स में पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन बी है। सेकंड एमसीक्यूज नम्स ने दिया था, व्हाट इज द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर व्हेन इट परफॉर्म्स वर्क ऑफ 64 × 10⁶ जूल इन 8 सेकंड्स। तो ये पावर का फार्मूला सिंपल लगेगा, पावर इज वर्क टन पर यूनिट टाइम। तो वर्क है 64 × 10⁶ जूल, इसको टाइम 8 सेकंड से डिवाइड करें तो 64 / 8, तो ये 8 × 10⁶ जूल, यानी कि ऑप्शन सी 8 MW जो है डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द रिलेशनशिप बिटवीन, ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में इन्हें रिलेशन पूछा था। तो ये बिल्कुल ईजी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv². तो जब हम लोग मोमेंटम के साथ रिलेशन बनाएंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास करते हैं, जो कि आफ्टर कैलकुल आफ्टर जो है वो डेरिवेशन ये आ जाता है 1/2 मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, यानी कि ऑप्शन डी, या इसको आप p² / 2 mv कह सकते हैं। सो डी इज़ द करेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट MCQs इज, When a dolphin leaves the water, it has lots of kinetic energy. At its highest point, its energy is, ये बिल्कुल सिंपल कह रहे हैं, जब डॉल्फिन एक पानी से बाहर आती है तो उसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब वो बाहर आकर बिल्कुल अपने हाइस्ट पॉइंट पर होती है, तो वहाँ पर उसकी उसके पास कौन सी एनर्जी होगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्जन का केस है। हाईएस्ट पॉइंट पर जो डॉल्फिन होगी वो रेस्ट की कंडीशन में होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, और उसकी टोटल की टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस वक्त कन्वर्टेड हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाई, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि इसमें जो माइनस साइन है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। तो इसका जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। माइनस साइन बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स को इंडिकेट करती है, तो उसी के सिलसिले में इन्होंने ये दिया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस साइन इंडिकेट्स द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मासेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो क्वेश्चन नंबर 6 था फिजिक्स के पार्ट का, वो था द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। सर्कल में जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएबल होती है, क्योंकि बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरिएबल होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, इफ यू स्टॉप योर कार क्विकली बाय वेयरिंग सीट बेल्ट, द चांस ऑफ इंजरी इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बिकॉज द सीट बेल्ट अप्लाइड। सीट बेल्ट पहनकर अगर आप गाड़ी को अचानक से ब्रेक मारते हैं तो ऐसा क्या होता है कि आपकी इंजरी के जो चांसेज हैं वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, क्योंकि देखिए सीट बेल्ट जो है वो इनर्शिया को ओवरकम करता है, अपोजिट फोर्स उस पर अप्लाई करता है। तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आप इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ मूव करते हैं, जबकि सीट बेल्ट जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन बैकवर्ड फोर्स लगाता है, एज अ रिजल्ट आप जो है वो इंजरी से बच जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ बॉल विद मोमेंटम 8 kg/s हिट्स अ वॉल एंड बाउंसेस बैक। इसमें कह रहा है कि एक बॉल जो है वो 8 kg/s की मोमेंटम से दीवार पर हिट करती है और बाउंस बैक हो जाती है विदाउट लूजिंग एन टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका चेंज इन मोमेंटम जो है वो होगा वो कितना होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, आप फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दें। अब इनिशियल मोमेंटम 8 kg है और बॉडी अगर बिल्कुल जो है वो बाउंस बैक कर रही है स्ट्रेट, तो उसका जो बाउंस बैक का जो मोमेंटम होगा वो -8 kg/s होगा, क्योंकि उसने विदाउट एंड लूजिंग काइनेटिक एनर्जी वापस बैक आया। तो जाने का मोमेंटम 8 kN और वापसी का -8, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि -8 प्लस करेंगे -8 को, तो ये आपके पास टोटल जो है वो -16 Nsec जो है वो मोमेंटम होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नम्स ने जो दिया था वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर विच एंगल इज द मैक्सिमम हाइट हाफ ऑफ इट्स रेंज।
यानी कि उसकी रेंज के हाफ हो और मैक्सिमम हाइट जो है वो हमें किस एंगल पर मिलेगी, रेंज के हाफ होनी चाहिए। तो ये जो एंगल होता है ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 53 डिग्री पर, यानी कि 53 डिग्री पर ये मैक्सिमम हाइट ऑफ यानी कि उसकी जितनी रेंज है उससे हाफ होगा और मैक्सिमम हाइट पे ये होगा। तो ये 53 डिग्री पर होता है, ये इसकी एक वैल्यू है। जैसे 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज पर होता है, 76 डिग्री पर रेंज और हाइट इक्वल आती हैं। तो ये यहाँ पर जो है इसकी 53 डिग्री की जो है वैल्यू है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू दिया था कि सारा गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक दैट हैज डायमीटर ऑफ 20 मीटर इफ शी रन्स अराउंड द एंटायर ट्रैक फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कह रहा है कि सारा जो है एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है जिसका डायमीटर जो है वो 20 मीटर है। अच्छा, अगर वो पूरे ट्रैक को मूव करती है और 180 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी। तो अगर हम लोग इसको जो है वो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर जो है हम लोग वहाँ से निकालें तो एस की जो वैल्यू है वो 180 मीटर है और डायमीटर जो है वो इसका अगर आपके पास 20 है तो आप रेडियस निकालेंगे वो 10 आ जाएगा। तो 180 डिवाइडेड बाय 10 18 रेडियन जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसकी जो होगी वो 18 रेडियंस है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो इन्होंने दिया था एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन वन मिनट इज कॉल्ड। अच्छा, ये घड़ी की बात कर रहा है कि जो आपकी वॉल क्लॉक होती है वो कह रहा है कि एक मिनट जो है वो मूव करती है, जो मिनट वाला हैंड होता है, मिनट की जो सुई होती है वो अगर एक मिनट मूव करती है तो वो कितने एंगल होगी। देखिए, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर ये 60 बार मूव करके अपना एक चक्कर पूरा करती है मिनट वाली घड़ी, तो इसका मतलब यह है कि 60 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो पर मिनट में ये 6 डिग्री मूव करेगी, पूरी सर्कल के लिए 360 डिग्री, और घड़ी जो है वो एक घूमने पर 60 मिनट करते हैं। तो आप 360 को डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो एक मिनट यानी कि एक उसका जो क्लिक होगा वो तकरीबन 6 डिग्री का होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज To find the direction of the angular displacement, ये कह रहा है कि angular displacement को find करने का बेहतरीन तरीका क्या है। तो इसके लिए आप simple जो है अपने right hand के thumb को जो है put करें in the direction of the circular motion। तो option C जो है put thumb in your right hand in direction of the circular motion, this is the correct option to find the direction of the angular displacement, option C। Next MCQs is A particle moves in a circle of 200 centimeter with a linear speed of 20 meter per second. Find the angular velocity. अब ये देखिए, यहाँ पर angular velocity और linear velocity का जो है वो relation आप use करेंगे। तो angular velocity और linear velocity के आप relation को use करके इसको calculate कर सकते हैं। हमारे पास इसका formula होता है angular velocity का v over r, या linear velocity is equal to होती है omega r के। तो आपने अगर एंगुलर वेलोसिटी मालूम करें तो ओमेगा बराबर इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है वो है 20 मीटर पर सेकंड, और आर जो है वो 200 सेंटीमीटर है या 2 मीटर भी आप इसे कह सकते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 10 रेडियन पर सेकंड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंगुलर वेलोसिटी जो होगी उस पार्टिकल की वो 10 रेडियन पर सेकंड होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। ये बिल्कुल इजी है, और टॉर्क भी जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो पॉजिटिव होता है। इस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो पॉजिटिव होगी। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा आप जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या था। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ सॉलिड इज ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है कि सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो ऐसा क्यों है। तो ये जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड का होता है ये ग्रेटर होता है एयर के मुकाबले में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट द मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इज इन सॉलिड इज ग्रेटर दैन द मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इन एयर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग एंड ऑसिलेटिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। इफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज 20 सेंटीमीटर एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 20 न्यूटन पर मीटर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इसने कुछ कंडीशन दी है, बॉडी का मास जो है 10 किलोग्राम बताया है, डिस्प्लेसमेंट जो है 20 सेंटीमीटर बताई है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है वो 20 न्यूटन पर सेकेंड जो है वो न्यूटन पर मीटर जो है इसने बताई हुई है। तो अब हमें जो है वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो सिंपल इसका भी फार्मूला जो होता है वो है ए इज इक्वल टू के ओवर एम मल्टीप्लाई बाई एक्स।
तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इसने दी है 20, मास की वैल्यू 10 है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसने 20 दी है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपल 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है उसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नॉर्मल पर्सन कैन हेयर साउंड। ये कह रहा है कि नॉर्मल पर्सन जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी कि ऑडिबल रेंज उसकी ये होती है, तो इस वेव की जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी। तो जहां पर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है वहां पर वेवलेंथ कम होगी, जहां पर फ्रिक्वेंसी कम है वहां पर वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो 20 हर्ट्ज से आप इसको वी एफ लैम्बडा, वहां से आप लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 17 मीटर आ जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड जो एयर में होती है आपकी 0 डिग्री पर, आप वो रखें। और 20 हर्ट्ज जो है फ्रिक्वेंसी रखें तो लैम्बडा की वैल्यू आप निकालेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 मीटर इज द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज NaCl सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व क्विकली इन वाटर ड्यू टू। ये कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में जो बहुत तेज़ी से डिजॉल्व हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसकी जो ये जो आप कह लेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी होती है ये बहुत हाई होती है। ये अपनी इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है आयंस के दरमियान में वो जल्दी से लूज़ करता है क्योंकि इसका ड्राई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसीलिए पानी में जो है ये ज़्यादा जल्दी जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज अ कैपेसिटर कैन बी फुली चार्ज वंस द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज इज। ये कह रहे हैं कि कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज एक बार जो होता है तो उसका जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, तो ये इन्फिनिटी होता है। थ्योरी में देखें कैपेसिटर जो है वो इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लेता है कम्प्लीटली चार्ज होने के लिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस चीज़ का आप याद रख लें कि कम्प्लीटली चार्ज होने के लिए इन्फिनाइट टाइम लेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो इन्होंने दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 20 माइक्रोकुलम पॉइंट चार्ज इज। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज जो हो वो 20 माइक्रोकुलम हो तो 10 सेंटीमीटर के फासले से अगर हम लोग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें तो क्या आएगी। तो ये सिंपल आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर उससे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। तो उनमें ये वैल्यू रखेंगे लेकिन उनमें ये जो ऑप्शन इन्होंने दिए थे नम्स ने, इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन आप कैलकुलेट कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से, इज इक्वल टू कूलम फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। सो इसका जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, इस क्वेश्चन में एरर है। तो आज की जो हमारी ये पार्ट था ये यहाँ पर ही कम्प्लीट होता है। तो थैंक यू, हमारे नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो नम्स से पेपर हमने सॉल्व किए हैं ये आपकी जो एमडी कैट पीएमडीसी जो टेस्ट ले रही है 22 सितंबर को उसे सॉल्व करने में, उसकी प्रिपरेशन करने में हमारी ये जो है सीरीज़ आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो है आपको नोटिफाई हो सकें। थैंक यू।